वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। और आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और अगर 2 से 3 साल के हैं वो भी खा सकते हैं, उससे बड़े बच्चे हैं वो भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल डालकर 1 चम्मच गरम किया है, उसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाला है, जीरा जैसे सुनहरा होगा। उसमें 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 हरी मिर्च छोटा छोटा काट करके डाल देंगे, और उसको हमें मुलायम होने तक पकाना है। आलू जो है वो उबले हुए मैंने डाले हैं, आप कच्चे भी डाल सकते हैं। इसमें आप गाजर मटर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। इसमें आप कुछ मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। फिर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम ज़्यादा जैसा भी खाते हैं, क्योंकि आगे हम जो और चीज़ें डालने वाले हैं उनमें भी नमक है। यहाँ पर 1 पैकेट मैगी का जो आटा नूडल्स आता है उसके अंदर ये पाउच होते हैं, उसका 1 पैकेट यहाँ पर डाल देंगे। इसमें मटर होती है, गाजर होती है और मैगी का मसाला होता है। उसके बाद 1 बड़े कप यहाँ पर पानी डाल देंगे। और इसमें 1 उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। उबाल आ गया, यहाँ पर मैंने मैगी आटा नूडल जो मैगी है उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तोड़ लिया है, और 1 कटोरी भर के यहाँ पर डाल देंगे और इसे धीमी आंच कर देंगे और ढक्कन बंद करके इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी, और फिर हम इसे ढक्कन बंद कर देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। हमारे यहाँ पर जो मैगी है उसे चेक कर लेंगे पकी है कि नहीं, अगर पक गई है तो आप गैस बंद कर दें, अगर थोड़ी बहुत बाकी है तो आप 1-2 मिनट और पका लें। यहाँ पर पक गई है, मैं गैस बंद कर दूँगी और ढक्कन ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी कढ़ाई पर, जिससे ये बाद में खिली खिली रहेगी और इसमें पानी नहीं रहेगा। अगर आप सूप वाली बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें 1 कप की जगह 1.5 कप डाल दें, तो आपकी सूप वाली मैगी नूडल्स बनकर तैयार हो जाएगी। ये आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनको बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है। तो यहाँ पर हमारी झटपट बनकर तैयार हो गई है मैगी नूडल्स। इसे आप शाम में भी बना सकते हैं और मॉर्निंग में भी बना सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आगे हम एक और अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर मैंने कुकर गर्म करने के लिए रखा है, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे भर के। आप चाहें तो आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों के लिए बनाते हैं तो वो वैसे भी घी वगैरह कम खाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर घी डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, उसको हमें सुनहरा करना है। जैसे ही वो चटकने लगेंगे उसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे और 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च के 2 टुकड़े करके डाल दें या तो साबुत डाल दें। इनको हमें धीमी आंच पर पकाना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गोभी, 1 आलू, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च ली है। इन सभी को साथ में छोटा छोटा काट करके डाल देंगे। इनको हमें अलग अलग करके कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सब एक साथ डालेंगे और 2 मिनट अच्छी तरह से इनको हाई फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे इनके अंदर का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और भून भी जाएगी।
और इसमें फिर हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें हमें कुछ ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं खाते हैं आपके बच्चे घर पर तो, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड रेसिपीज़ हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और फिर वापस से एक बार इनको अच्छी तरह से मिला दें, जिससे सब्जी के साथ में मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। और गोभी को हमें अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कप चावल को भिगोकर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और फिर उसके बाद अच्छी तरह से धुल लिया है। तो यहाँ पर चावल डालेंगे और यहाँ पर 1.5 कप पानी डालेंगे और 3 सीटी धीमी आंच पर लगाएंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। उसके बाद 3 सीटी आने तक इसको पकाना है धीमी आंच पर, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। यहाँ पर हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है, ये सब भी डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपीज हैं। आप एक बार इन दोनों रेसिपीज को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। और हमारी आज की जो चावल की सिंपल सी खिचड़ी या तो तहरी आप बोल सकते हो, वो बन करके तैयार है। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान।